डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.6 है, एनसीईआरटी का मैथ क्लास 6 का है, ये चैप्टर 7 से है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट, जोड़ और घटाव दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी एच एम और एन, यहाँ पे चार सब्ट्रैक्ट है और बाकी सब ऐड है। तो इसको बनाना काफ़ी आसान है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी है हमारे पास। तो सबसे पहले इसको ऐड करने के लिए इन दोनों को एलसीएम करना पड़ता है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, इसलिए एलसीएम होगा नहीं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 7 3 21। तो एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे 21 लिख देते हैं, और यहाँ पे 21 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 हो गया 14, और प्लस हो जाएगा। और फिर 21 को 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 हो गया। तो कितना हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 17/21। ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसको, इन दोनों को हम एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं 10 15 का, तो क्या होगा, यहाँ पे ये 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट 5। तो 5 2 10 हो गया, 5 3 15 इतना ही होगा। तो 5 2 10 हो गया, 10 3 30 हो गया, इसका एलसीएम 30 हो गया। तो इसको यहाँ लाइन लेते हैं एक, और यहाँ पे 30 लिखते हैं। अब इस 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 10 3 30, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9, प्लस फिर इस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 15 2 30, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, तो यहाँ पे 14 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 6 14 और 6 20 हो गया, और 3 23 हो गया, इक्वल टू 23/30। तो ये कटने वाला है नहीं, इसीलिए इतना ही आंसर रह जाएगा, ये आंसर हो गया। और सी नंबर का इस तरह से 9 और 7 है, यहाँ पे नीचे में 9 7, तो ये इसका एलसीएम निकलेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 7 63। तो यहाँ लाइन लेते हैं एक, और 63 यहाँ पे लिख लेते हैं, और 63 को अब 9 से हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा वो 7 बार में। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, प्लस, और इस 63 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में जाएगा। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, तो 18 यहाँ पे लिखते हैं। इन दोनों को करेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 के 6 हो गया, 1 बचा हुआ है 2 और 1 3, और हाथ वाला 1 तो 4 हो गया, 46/63। तो यहाँ पे ये कटने वाला है नहीं, क्योंकि ये 7 से कटेगा, ये 2 से कट सकता है, लेकिन ये कटेगा आपस में नहीं कटेगा, तो इतना ही रह जाएगा। और ये बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं होगा, तो मतलब इतना ही ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी ई और एफ हम लोग के पास। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 7 3, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम कुछ आना नहीं है, तो क्या आएगा, 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 21, तो इस 21 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 21, 3 बार में, और उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, ये हो गया, प्लस फिर इस 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 7 बार में जा रहा है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 7, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, 15 5 20 हो गया, और 2 22 हो गया, तो यहाँ पे 22/21, ये कटने वाला नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ई नंबर में 5 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसका कोई एलसीएम नहीं आएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 30 हो गया, तो 30 यहाँ पे ले लेते हैं, और इस 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 6 बार में जाएगा, और उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 हो गया, प्लस फिर 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 6 5 30, तो 5 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 ही रहेगा, तो 7 2 17, तो यहाँ पे 12 5 17 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 17/30, यही आंसर हो जाएगा। और इसमें 5 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे इसका कोई एलसीएम आने वाला नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 3 बार में जा रहा है, तो उस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 हो गया, प्लस फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 3 4 5 बार में जाएगा, 3 5 15, तो उस 5 को 5 2 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 10 22 हो गया, 22/15, तो ये कटने वाला है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं